मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजीव कुमार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में बहस के दौरान ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया, वहीं बचाव पक्ष की ओर से राजीव कुमार को निर्दोष बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था। राजीव कुमार फिलहाल ईडी में दर्ज मामले के कारण रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कोटवार में बंद है। आपको बता दें कि राजीव कुमार 30 सितंबर तक ईडी कोर्ट की न्यायिक हिरासत में है। इससे पूर्व 16 सितंबर को हुई सुनवाई में भी ईडी की ओर से समय की मांग की गई थी। पिछले दिनों कोलकाता में दर्ज 50 लाख बरामदगी मामले में कोलकाता के निचली अदालत से राजीव कुमार को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के आरएस विभाग ने हैरिसन स्ट्रीट में अवस्थित व्यावसायिक परिसर से बीते 30 जुलाई की रात को 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था। हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार एवं उनके मुवक्किल शिव शंकर शर्मा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करना, भादवी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश एवं 384 जबरदस्ती वसूली केस दर्ज किया। बता दें कि ईडी अधिकांश केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही दर्ज करता है, लेकिन राजीव कुमार के मामले में ऐसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पीसी एक्ट एवं आईपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।